अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन मोहतरम, बाज़ार में गिरी पड़ी चीज़ को इस्तेमाल क्या कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्डर ये है एक हदीस में कि 3 साल तक उसका ऐलान किया जाए, और अक्सर अहादीस में 1 साल का जिक्र है कि अगर आपको गिरी पड़ी चीज़ मिल जाए तो उसका 1 साल तक ऐलान करना ज़रूरी है, अगर वो चीज़ कीमती हो। जिस तरह सुनन अबी दाऊद में रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरी पड़ी चीज़ के मुतालिक सवाल किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आर्डर फरमाया कि 1 साल तक ऐलान करो, अगर मालिक मिल जाए तो उसको वापस कर दो, वरना उसको अपने इस्तेमाल में ले आना। यानी कि उसको अपने इस्तेमाल में ले आना ये कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह वाला काम नहीं है, ये कोई गुनाह वाला काम नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मालिक उसकी सही सही अलामत बता देता है तो उसको वापस कर सकते हैं, अगर मालिक ना मिले 1 साल ऐलान करने के बाद अगर मालिक ना मिले तो उसको इस्तेमाल में ले आओ। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1 साल तक उसका ऐलान करो, अगर मालिक मिल जाए वापस कर दो, वरना उसको अपने इस्तेमाल में ले आओ। अगर वो चीज़ जंगलों में मिले, खंडरात वाली जगह से मिले तो उसका ऐलान करने की ज़रूरत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका खुमस हिस्सा ज़कात निकालो, यानी 5वां हिस्सा ज़कात निकालो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।